आपका मेरे चैनल रंजित कृष्ण में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रंग का बुनाई का पैटर्न लेके आई हूँ। बनाने बहुत आसान है। इसके लिए मैंने सिलाई पर तीन तीन के मल्टीपल फंदे डाले हैं। आप इसे किसी भी प्रोडक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट रो सीधी साइड, एक फंदा हम उल्टा बना के बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे और पांच फंदे हम सीधे बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और पांच फंदे हम सीधे बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे और पांच फंदे हम सीधे बना लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमें फर्स्ट रो को बना करके कंप्लीट कर लेनी है। एक फंदा उल्टा, पांच फंदे सीधे, पांच फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। दो, दो, चार, एक, पांच, एक फंदा उल्टा, लास्ट के दो फंदे सीधे। एक फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। ये दोस्तों हमारी उल्टी साइड है। एक फंदा सीधा, पांच फंदे उल्टे। इसी तरीके से सेकंड रो बना करके हमें कंप्लीट कर लेनी है। दो, दो, चार, पांच फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, पांच फंदे उल्टे। एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे। सेकंड रो हमारी बन चुकी है। थर्ड रो सीधी साइड, एक फंदा उल्टा, पांच फंदे सीधे बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा उल्टा, पांच फंदे सीधे। बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह दोस्तों हमें थर्ड रो भी बनानी है। तीन, चार, पांच, एक फंदा उल्टा, पांच फंदे सीधे। थर्ड रो भी इसी तरीके से बना करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। पांच फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। दो, दो, चार, एक, पांच, एक फंदा उल्टा, लास्ट के दो फंदे सीधे। एक फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। ये दोस्तों हमारी उल्टी साइड है। एक फंदा सीधा, पांच फंदे उल्टे। इसी तरीके से सेकंड रो बना करके हमें कंप्लीट कर लेनी है। दो, दो, चार, पांच फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, पांच फंदे उल्टे। एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे। सेकंड रो हमारी बन चुकी है। थर्ड रो सीधी साइड, एक फंदा उल्टा, पांच फंदे सीधे बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच।
पांच फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा उल्टा, पांच फंदे सीधे, बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह। दोस्तों हमें थर्ड रो भी बनानी है। तीन चार पाँच, एक फंदा उल्टा, पांच फंदे सीधे, थर्ड रो भी इसी तरीके से बना करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ रो उल्टी साइड, पहला फंदा हमने सीधा बना लेना है, धागा आगे करेंगे और चार पांच फंदे हम उल्टे बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, पांच फंदे उल्टे बना लेंगे। दो तीन चार पाँच, पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, पांच फंदे उल्टे। दोस्तों ये डिजाइन बनाने में बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। इस डिजाइन को बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक फंदा सीधा, लास्ट के दो फंदे उल्टे बना लेंगे। फर्स्ट रो और सेकंड रो की तरह ही हमें आठ रो बना के कंप्लीट कर लेनी है। पहला फंदा उल्टा, पांच फंदे सीधे, इस तरीके से आठ रो बनाते हुए फिर आगे आपको बता दी हमें क्या करना है। आठ सिलाइयाँ दोस्तों हमारी बनकर के कंप्लीट हो चुकी हैं। नौवीं सिलाई सीधी साइड, तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे। एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। इसके बाद पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा, पांच फंदे सीधे। इसी तरीके से नौवीं रो हमें बना करके कंप्लीट कर लेनी है। दसवीं सिलाई उल्टी साइड, तीन फंदे हम उल्टे बना लेंगे। एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, पांच फंदे उल्टे। दो तीन चार पाँच, पांच फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, पांच फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इसी तरीके से ये रो हमें बना करके कंप्लीट कर लेनी है। तीन चार पाँच, एक फंदा सीधा, पांच फंदे उल्टे। नौवीं और दसवीं सिलाई की तरह ही हमें आठ रो बना करके और कंप्लीट कर लेना है। सोलह सिलाइयों का दोस्तों ये हमारा पैटर्न है। आठ आठ सिलाइयों के बाद जो डिज़ाइन हमारा चेंज होता रहेगा। अगर दोस्तों आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।